नमस्कार दोस्तों, आज शिक्षा मित्र समाचार में हम आपको बताना चाहेंगे कि आज दिनांक 5 अगस्त 2021 को शिक्षा मित्र शिक्षक संघ की प्रांतीय बैठक संगठन के प्रदेश कार्यालय में प्रांतीय अध्यक्ष श्री अभय कुमार सिंह जी की अध्यक्षता एवं उवैद्य सिद्दीकी के संचालन में दोपहर 12 बजे से आयोजित की गई। बैठक में वक्ताओं द्वारा प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा मित्रों की उपेक्षा किए जाने पर रोष प्रकट किया गया। प्रांतीय अध्यक्ष श्री अभय कुमार सिंह जी ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 2 महीने शिक्षा मित्रों के जीवन के लिए काफ़ी अहम हैं। यदि प्रदेश के शिक्षा मित्रों को कुछ मिल सकता है तो आगामी 2 महीने में ही मिल जाएगा, परंतु इसके लिए शिक्षा मित्रों को मनयोग से संगठन को सहयोग करने की अपील की है। प्रदेश अध्यक्ष श्री अभय कुमार सिंह जी ने सभी जिला अध्यक्षों से अपने जनपद के विधायकों सांसदों को ज्ञापन देने के कार्यक्रम को सफल बनाने के निर्देश दिए। बैठक में निम्न प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा भी हुई। संगठन निम्न बिंदुओं की मांग माननीय मुख्यमंत्री जी से करेगा। नंबर 1, जो शिक्षा मित्र राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा जारी अध्यापक योग्यता का गाइडलाइन की अर्हता को पूरी करता हो उन सहायक अध्यापक पर समायोजित किया जाए। नंबर 2, शेष स्नातक BTC शिक्षा मित्र को नियमावली बनाकर स्थायी किया जाए और सम्मानजनक वेतन प्रदान किया जाए। नंबर 3, 68,500 शिक्षक भर्ती परीक्षा में सरकार द्वारा जारी 21 मई 2018 को जारी 33-30 पासिंग मार्क के संबंध में कोर्ट में चल रहे मुकदमे को सरकार द्वारा पैरवी कर शेष 26,000 पद को पूर्ण किया जाए। नंबर 4, किन्हीं कारणों से समायोजित शिक्षा मित्र मूल विद्यालय नहीं जा पाए हैं उन्हें मूल विद्यालय में समायोजन का अवसर दिया जाए एवं महिला शिक्षा मित्र को अपने पति के घर या ससुराल के नज़दीक विद्यालय में समायोजन का अवसर प्रदान किया जाए। संगठन के समस्त पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्ष और मंडल प्रभारी को अपने जनपदों के माननीय विधायकगण, माननीय मंत्रीगण और माननीय सांसद महोदय को माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन देने के लिए निर्देशित किया जाए। बैठक में कई जनपदों के जिलाध्यक्षों सहित सक्रिय सदस्य उपस्थित हुए। संगठन का विस्तार करते हुए कई शिक्षा मित्रों को नई जिम्मेदारी दी गई है। कार्यक्रम का संचालन उवैद्य सिद्दीकी ने किया। आज के समाचार में इतना ही। क्या बोलना है भाई? इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी साथियों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही मेरे दूसरे चैनल ब्लॉग विद गोपाल को भी सब्सक्राइब करें और उस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।